राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अदामा कंपनी के जोहर इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसके अंदर दो टेक्निकल आपको देखने को मिल जाते हैं। वो दो टेक्निकल दो अलग अलग तरीके से ये कीटों पर कार्य करते हैं। कौन कौन से टेक्निकल हैं, क्या इसकी डोज है, किसके साथ हम इसे मिला सकते हैं और किसके साथ नहीं मिला सकते, क्या इसकी रेन फास्ट एक्टिविटी है, कितने दिन का इसका रिजल्ट टाइम है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं अदामा कंपनी के जोहर इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसके अंदर दो टेक्निकल आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो टेक्निकल इसके अंदर देखने को मिलता है वो है किसान भाइयों बिफ्रोजिन, जो 23.1% में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा टेक्निकल इसके अंदर देखने को मिलता है फिप्रोनिल, जो किसान भाइयों 3.85% एससी फार्मुलेशन के साथ आता है, यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप में आता है, जो सफेद गाढ़े रंग का एक पदार्थ होता है। तो इस तरीके का ये आपका कीटनाशक। अब बात करते हैं ये किस तरीके से हमारी फसलों पे कार्य करता है और कीटों से हमारी फसलों को कैसे बचाता है। तो इसके अंदर किसान भैया जो सबसे अच्छा एक्शन देखने को मिलता है वो है IGR। IGR का मतलब होता है किसान भैया इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जिस कीट के ऊपर भी ये पड़ता है या जो भी कीट इसके स्प्रे किए हुए पत्ते को खाता है या फिर उसके रस को चूसता है, उस कीट की जो होती है बढ़वार वो किसान भैयों रुक जाती है। यानी कि कीट अपनी, मान लीजिए आज उसके ऊपर स्प्रे पड़ा या उसने आज ये स्प्रे का जो पत्ता था वो खा लिया चूस लिया, तो उसकी जो बढ़वार होगी वो किसान भाइयों होनी बंद हो जाएगी। जो भी मादा कीट होगी उसके ऊपर यदि ये स्प्रे पड़ जाता है या वो इस रस को खा लेती है पी लेती है तो वो अंडे देने योग्य नहीं रहती। उसके नर्वस सिस्टम को किसान भाइयों ये इस तरीके से ब्लॉक कर देता है कि ना ही तो वो चलने फिरने योग्य रहते हैं ना ही खाने पीने योग्य रहते हैं। तो जो कीटों की बढ़वार होती है, कीटों की जो ग्रोथ होती है, उसे किसान भाइयों ये कंट्रोल कर लेता है और कीट फिर धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं और आपकी जो फसल होती है वो कीटों से बच जाती है। तो बहुत ही यूनिक सा इसका एक तरीका है जो इस तरीके से ये कार्य करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कौन कौन से फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है किसान भाइयों आप टमाटर पे कर सकते हैं, मिर्च पे कर सकते हैं, गोभी पर कर सकते हैं, कपास पे कर सकते हैं, धान पर कर सकते हैं और भी जितने कीटों के नाम मैं आगे आपको बताने वाला हूं, वो कीट आपके किसी भी फसल पे यदि लगे हुए हैं तो उन सभी फसलों पर यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो अच्छे रेट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही यूनिक सा और एक शानदार सा किसान भाइयों ये टेक्निकल है। अब बात करते हैं कौन कौन से कीटों पर किसान भाइयों ये आपको कंट्रोल करके देता है। तो इसका उपयोग आप ब्राउन प्लांट होपर में कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट होपर में कर सकते हैं, लीफ होपर पे कर सकते हैं, एफिड पे कर सकते हैं, जैसिड पे कर सकते हैं, थ्रिप्स पे कर सकते हैं, मिली बग पे कर सकते हैं, माइट्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रस चूसक कीट होते हैं उन सभी रस चूसक कीटों पर भी आप यदि इसका स्प्रे करेंगे तो वहां पर भी किसान भाइयों ये बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो इस तरीके से आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कीटों पर आप इसका उपयोग करके एक अच्छा और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की, इसकी कीमत की और इसके कॉम्बिनेशन की। इसकी जो डोज किसान भाइयों आपको रखनी है, डोज इसकी लेनी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 300 ml आप इसे ले लीजिए, लगभग 150 से लेके 160 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करना है और इसका स्प्रे जो है आप अपनी फसलों पे करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके आपको देगा। बात कर लेता हूँ इसकी कीमत की। तो इसका जो एक लीटर का आपको पैक देखने को मिलेगा वो 1400 रुपये से लगा करके 1500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। आपके यहाँ पर इसकी क्या कीमत है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो इसके साथ आप किसी भी फंगीसाइड को मिला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट आपको निकाल करके नहीं देगा। किसी भी कीटनाशक को मिला सकते हैं, उसके साथ भी कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं इसकी रेन फास्ट एक्टिविटी की। मान लीजिए इसका स्प्रे आपने अभी किया और 4 से 5 घंटे के बाद बरसात होती है, आपको 90 से लेकर 95% रिजल्ट जो है बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट टाइम की बात करूं तो इसका जो रिजल्ट टाइम है वो 13 दिन से लगा करके 15 दिन तक ये आपकी फसलों को इन सभी रोगों से, इन सभी कीटों से बचा करके किसान भाइयों चलता है। अब बात कर लेते हैं इसका स्प्रे आपको किस समय पर करना चाहिए। तो इसका स्प्रे करने का सबसे सही और यूनिक समय है किसान भाइयों शाम को 3 बजे के बाद,
यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो मौसम में हल्की सी ठंडक होती है, उस समय पर स्प्रे करेंगे तो इसके जो रिजल्ट है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अदामा के जौहर इंसेक्टिसाइड के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। कुछ भी छूट गया हो या आपको ऐसा लगा हो कि कोई बात मेरे से भूल चूक रह गई है तो आप बता सकते हैं, अगली वीडियो में और भी ज़्यादा सुधार करके आपको सारी बातें किसान भाइयों बताई जाएंगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।